आज हम क्रोशिया से इस तरह की 3D इस तरह की बहुत ही खूबसूरत ये वूलन कैप बनाएंगे। ये जेंट्स लेडीज कोई भी इसको पहन सकते हैं। ये बहुत ही सोबर है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप देखेंगे कि इसकी के कली, ये जो फली जो हमने बनाई है यहाँ पर कितनी उभार लिए हुए हैं, ये दूर से ही उभरी हुई नजर आएंगी। ये 3D कैप है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये 10 नंबर क्रोशिया है, 10 नंबर की, और ये पतली ऊन है। हम कैप बना रहे हैं, टोपा, ये ऐसे, एक चैन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 90 चैन बनाएंगे हम। अब ये 90 चैन बना ली हमने। ये अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे, सीधे पकड़ गए हम। ये बस यहाँ जोड़ देंगे। अब हम ये सादा वो बनाएंगे चैन, एक, दो और तीन, ये बनाई। अब अगले वाले खाने में से ये यहाँ चावल बनाएंगे सादा, एक बार चुरा कर। यह ऐसे पूरी पूरी चैन पे बना देंगे। और ये पूरी लाइन बना ली। ये अंटाना पड़ा इसमें, ये देखना है। ये अब यहाँ पर हमें जोड़ देंगे ये। ये जोड़ लगा। अब हम फिर 3 चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर अगले वाले इस चावल में से बनाएंगे, यूँ इधर से डालेंगे, डाला,
फिर इधर से दो ऐसे और दो पीछे से, यूं यूं पीछे को निकाल देंगे। फिर दो आगे से यूं, फिर दो पीछे से, ये ऐसे ना पूरी लाइन बुन देंगे यारी। ये उठी उठी आ रही है, ये पूरी बना देंगे। अब ये पूरे लाइन बना ली हमने ऐसे, और फिर यहाँ पे फिर यहाँ जोड़ देंगे ऐसे ये। अब फिर चैन बनाएंगे तीन, एक दो तीन, और फिर ये जैसे बनाए हैं इनके ऊपर वैसे ही बना देंगे एक लाइन और। ये इधर से ऐसे अभी नीचे से क्रोशिया डालेंगे यहाँ, और ये यहाँ एक बार और नीचे से डालेंगे ये। अब फिर ऊपर से ये हमारी ऐसे किनारी आ जाएगी। एक लाइन और बनाएंगे यही वाली बस, ये अब लाइन पूरी है ये ऐसे। ये दो लाइन बनाई है हमने, और यहाँ पे है इसमें जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ दें। अब ये दो लाइन बनानी, एक और दो। अब आगे के हम बनाएंगे एक चैन, एक दो तीन, फिर यहाँ एक सादा फंदा, और दूसरा दो तीन चार अरे पांच, और ये चैन को मिला के छह हो गए, एक दो तीन चार पांच छह। अब हम दो चैन बनाएंगे, एक दो चैन, और फिर एक दो तीन चार, चार चैन छोड़ कर पांचवें चैन में यहाँ फंदा लेंगे सादा, एक फिर एक और ऐसे,
फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर दो फंदा और लेंगे, एक और ये दो, ये चैन छोड़े इधर, दो फंदा फिर चैन, दो फिर दो फंदा फिर दो चैन, एक दो, दो चैन, फिर चार चैन छोड़ेंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे हम सादा फंदा बनाएंगे, छः, एक और ये दो तीन, ये तीन और ये चार, पांच और ये छः। अब ये हमारी छः इधर, दो चैन, दो सादा फंदा, फिर दो चैन, फिर दो सादा फंदा, फिर दो चैन, फिर छः फंदा, अब फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, और फिर ये चार फंदा नीचे छोड़ेंगे, चार चैन, एक दो तीन चार, और यहाँ हम बनाएंगे फंदा दो, एक और ये दो, और फिर दो चैन, फिर दो फंदा, फिर दो चैन, फिर एक दो तीन चार, अरे हाँ, ये इस तरह से बनाएंगे। अब ये हमने इतना बना लिया, अब यहाँ पे फिर ये बनाएंगे, दो फंदा इधर, फिर दो चैन, क्यों, फिर दो फंदा, एक दो, फिर दो चैन, और यहाँ जोड़ देंगे ये। अब ये हमारी दो लाइन बना ली हमने, ये नीचे वाली दो, ये दो, एक दो, ये दो बना ली। अब हम फिर डिजाइन शुरू करेंगे, ये एक चैन, दो चैन, तीन चैन किनारे पे है, और फिर ये छह फंदा बनाएंगे, दो, एक दो, और ये तीन, और ये चार, और ये पाँच, और ये छः। अब छः फंदा बना के हम फिर आठ चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमने आठ चैन बना ली। अब इनको आठ चैन को इधर लेके और ये क्रोशिया ऊपर से डालेंगे नीचे को, और यहाँ ये हम ये जोड़ देंगे, ये चैन हमारी यहाँ जोड़ गई, ये यहाँ जोड़ दी। अब हम इसे बनाएंगे यहाँ, एक और ये दो और ये तीन और ये चार और ये पाँच छः और ये सात आठ ये नौ, ये नौ बार मतलब नाइन बार बना लिया हमने। अब ये हमने धागा ऐसे रंधा और इधर से यूँ इधर से हम क्रोशिया लाएंगे और धागे को ये हम अंदर कर देंगे यहाँ, और ये फली हमारी यूँ घूम जाएगी, ये घूम गई ऐसे, और फिर हम एक चैन दो चैन यहाँ बनाएंगे, और फिर यहाँ ये फंदा, एक और ये दो, फिर दो चैन, एक दो, फिर दो फंदा, एक और ये दो, और फिर दो चैन, एक और एक चैन और ये दो चैन, और फिर यहाँ वाले फंदा एक फंदा बनाएंगे, किनारे का एक बना लिया,
अब आठ चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ चैन फिर बना लें। अब इन्हें इधर से ही जहाँ से जो पहली वाली लगाई वहीं से लगा देंगे, यूँ ये लगा के यूँ निकाल दें। अब ये डिजाइन इधर आ जाएगी, ये सादा वाली पीछे चली जाएगी। अब ये हम फिर बनाएंगे नौ बार, एक ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ बार, ये बन गए हमारे, ये नौ बार बन गए हमारे। अब हम यहाँ ये नीचे वाले बुनाई करेंगे, ये छह चावल बनाए नहीं ना, एक ये पहले बना दे, एक ये अब इधर चार बचे, ये चार बना देंगे, ये दो तीन चार और ये पांच ये पांच और ये छह, हमारे ये वाले डिजाइन ऐसे बन गई, ठीक है। और फिर ये छह चावल बनाए, फिर डिजाइन शुरू करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हम फिर नौ बार बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच ये छः ये सात ये आठ और ये नौ बार बना ले। और फिर ये धागे को हम इधर से यूँ पीछे को निकाल देंगे, ये यूँ निकल गया, एक चैन दो चैन बनाई। अब ये यहाँ पर चार फंदा बनाएंगे, एक ये दो फिर दो चैन फिर दो फंदा, एक और ये दो फिर दो चैन फिर यहाँ पर ये फंदा, ये हमारी ऐसे डिजाइन बन जाएगी। अब फिर इधर बना देंगे, ये आठ चैन बना के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अब ये यहाँ पे नौ फंदा बना के ऐसे पूरी लाइन बन देंगे। अब ये पूरी लाइन बन गई ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे यहीं जोड़ देंगे यहाँ ये, और फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन फिर फंदा बनाएंगे, ये छह फंदा बनाने, दो तीन चार पाँच और ये छह। अब ये डिजाइन नीचे डालिए, ऐसे फिर डिजाइन डालेंगे, हर बार डालेंगे डिजाइन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये आठ लें। अब ये यहाँ से नीचे से निकाल देंगे धागा, ये पहले यहाँ निकाला, अब यहाँ निकालेंगे धागा, ये
और फिर नौ चैन बनाएंगे, नौ डांके बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अरे नौ, ये बनाए। अब इधर से यहाँ से यूँ क्रोशिया डाली और ये धागे को हम अंदर खींच लेंगे यहाँ यूँ, और एक दो चैन बनाई और फिर ये एक दो ऐसे, ये ऐसे आ जाएगी, एक आई एक आ गई, ऐसे हर बार बनती जाएंगी। दो अरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये ऐसे बनती जाएंगी हर बार, ये बस ऐसे बनाते जाएंगे। ये अब 12 लाइन बना ली हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये कैप बना रहे हैं, ये 12 लाइन बना के अब हम यहाँ फंदा कम करना शुरू करेंगे। हाँ तो ये जो 6 फंदा हैं इनमें ये एक और ये दो, अब इन ये इन 3 फंदा का एक कर दिया और ये ऐसे बुंदा एक और ये अब ये 4 फंदा रह गए हमारे, एक दो तीन और एक ये वाला चार, 4 फंदा रह गए। अब फिर हम यह डिजाइन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, ये बने
यहाँ पर हम लगा देंगे, और ये बीच वाले फंदा बना देंगे दो, फिर दो चैन, फिर ये दो, ये दो चैन, और यहाँ ये एक फंदा हमारा है, और फिर आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब ये नौ बार यहाँ बना देंगे, अब ये वाले फंदा यहाँ एक और ये दो, ये दो का एक कर देंगे यहाँ, ये फिर एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर छः हैं, छः की जगह चार बन जाएंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब ये पूरी ऐसे ही पूरी सिलाई बना देंगे। अब ये हमारे यहाँ चार फंदा हैं, एक दो तीन और ये वाला चार, अब हमें तीन दो फंदा रखने हैं, एक है और एक और ये दो और एक इधर तीन, ये चार के तीन कर दें, एक दो तीन, ये एक दो तीन, हाँ फिर हम डिजाइन बनाएंगे। अब जैसे यहाँ चार फंदा है, एक एक ये है दो तीन और ये चार, तो इन्हें तीन कर देना है, और फिर यहाँ डिजाइन बना देंगे। ऐसे ये ऊपर कम होते जाएगी, और ये छह के चार फंदा कर दे, ये नीचे छह हैं, अब ये तीन फंदा यहाँ रह गए हैं, अब ये हम तीन इधर, तो हम फिर डिजाइन बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये बना के ये इधर सब लेके इधर बंद कर देंगे, हैं एक चैन बनाएंगे खाली, और फिर ये वाले फंदा बनाएंगे, एक और ये दो, फिर एक चैन बनाएंगे खाली, फिर दो फंदा बनाएंगे, एक और ये दो, फिर एक चैन बनाएंगे, और फिर इधर इधर की डिजाइन बनाएंगे ये वाली, ये ऊपर छोटा है जाएगा, ये अब ये आठ चैन, दो तीन चार पाँच छ सात आठ,
अब ये 9 बार यहाँ बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 बार यहाँ बनाकर अब ये वाले फंदा को हम इधर यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ ये अब यहीं से चैन बना लेंगे 8। ये इधर से ये जोड़ कर इधर ये बन जाएगा दूसरा, ये ठीक है, ये यहाँ बन जाएगा। ऐसे करके पूरा बना देंगे ये। अब यहाँ पे हमने ये बंद कर दिया, ठीक है। अब ये एक चैन है इधर, एक चैन है, और ये ढिलाई कम है गई, ये ऐसे ऊपर ढिलाई कम है गई। अब हम सुई लेके हम सुई से सिलाई करेंगे, तो ये धागे में सुई डाली, अरे हो ये यूं ये नीचे से यूं घुमा कर हम भरेंगे फंदा यूं, ये ये इस तरह से हमारा ये आ गया, ये इधर ये कली सब आपस में आमने सामने आ गई है। ये
ये बंद कर देंगे पूरी तरह से। ये हमारी कैप तैयार है अभी।